मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत 32,000 कर्मचारियों सहित मंदसौर जिले के 581 संविदा अधिकारियों कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 19वें दिन भी जारी रही, जिसमें मंदसौर जिले के कर्मचारियों धरना स्थल पर मुख्यमंत्री का मुखौटा पहनकर संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का आदेश और बाहर किए गए कर्मचारियों को वापस लाने की जगह लॉलीपॉप बांटते हुए प्रदर्शन किया गया। हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्यकर्मियों ने शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए NHM संविदा स्वास्थ्यकर्मियों संघ द्वारा 2 सूत्री मांग को लेकर शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल कर्मचारियों द्वारा लॉलीपॉप दिखाकर संदेश दिया। अब की बार आश्वासन की लॉलीपॉप नहीं चाहिए, सिर्फ नियमितीकरण चाहिए। वहीं संविदा कर्मचारियों ने कहा कि उनकी हड़ताल का 19वां दिन है, शासन उनकी मांगों को नहीं मानी, शासन सिर्फ अविश्वास रूपी लॉलीपॉप के आधार पर हड़ताल खत्म करवाना चाह रहा है। इस प्रकार से सरकार पूर्व में 2013, 2016, 2017, 2018, 2021 में भी छलावा कर चुकी है। संविदा कर्मचारियों को 2 सूत्री मांगे हैं, एक यह है कि वर्षों से कार्य संविदा कर्मचारियों की नीति बनाकर उनका नियमितीकरण करना और दूसरी है कि विभिन्न योजनाओं के पद समाप्त कर निकाले गए कर्मचारियों की बहाली करना। अपनी इन्हीं प्रमुख मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। क्या प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहना है? आज हमें ना मामा जी ने आश्वासन के रूप में लॉलीपॉप दिया गया है। आज हमें 19 दिन हो गए हैं, आश्वासन के रूप में लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अभी तक हमारी कोई मांगों का कोई निराकरण नहीं किया जा रहा है। तो आज मामा जी से हम यही चाहते हैं कि हमें आश्वासन न देते हुए सिर्फ हमें हमारा आदेश पूरा दे। आज बस यही कहना। क्या बांटा गया आज यहाँ? आज हमें लॉलीपॉप बांटा गया मामा जी द्वारा, और हमें आदेश चाहिए। ये देखिए, हमें आदेश के रूप में लॉलीपॉप ही दिया जा रहा है, जो कि गलत है। हम आदेश चाहते हैं मामा जी से।